दोस्तों, अगर आप भी शिखर धवन को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पंजाब के शहरों के सामने जब हैदराबाद के नवाबों का सामना हुआ तो किस तरीके से पंजाब के शहरों ने अपनी दहाड़ से कैसे हैदराबाद के नवाबी बल्लेबाजों को चकनाचूर कर दिया, ये सब हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ इस मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स भी देंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शिखर धवन और राहुल त्रिपाठी में से कौन बेहतर बल्लेबाज है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, एक ऐसे मुकाबले में जहां दोनों ही टीमें मात्र अपने अगले साल की तैयारी के लिए खेलने के लिए उतरी हैं और दोनों ही टीमों को अपना अंतिम मुकाबला जीतकर अपने अंक तालिका में स्थिति बेहतर करने के लिए मुकाबले में खेल रही थी, और इस मुकाबले में सबसे पहले हैदराबाद की कप्तानी केन विलियमसन ने करी, जो की घर वापसी के कारण गैर मौजूदगी में भुवनेश्वर कुमार ने करी है, और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार को अपने गेंदबाजों पर लक्ष्य को डिफेंड करने का भरोसा है और अपनी टीम में दो बदलाव करते हुए रोमारियो शेफर्ड और जगदेश सुजीत को खेलने का मौका दिया गया। तो दूसरी तरफ पंजाब ने तीन बदलाव देखने को मिले, जिसमें नाथन, शाहरुख और मार्कंड को खेलने का मौका दिया गया, और हैदराबाद की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए एक बार फिर धाकड़ बल्लेबाज प्रियम गर्ग और अभिषेक शर्मा। दोनों बल्लेबाजों से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की उम्मीद की गयी, तो वहीं पहला ओवर कराने के लिए मयंक अग्रवाल ने फिरकी गेंदबाज पर भरोसा जताते हुए लिविंगस्टन को गेंदबाजी की कमान सौंपी, क्योंकि इन्होंने पिछले मुकाबले में बहुत ही शानदार गेंदबाजी करके विरोधी टीमों के छक्के छुड़ा दिए, और पहली ही गेंद पर प्रियम गर्ग ने अपना खाता सिंगल के साथ खोला, जिसके बाद लिविंगस्टन ने बेहतरीन गेंदबाजी तो करी लेकिन ओवर की पांचवी गेंद पर शानदार और खूबसूरत चौका कवर की दिशा में लगा दिया और ओवर में बेहतरीन तरीके से 5 रन आए, जिसके बाद दूसरी तरफ से विकेट की तलाश में कप्तान मयंक अग्रवाल अपने महत्वपूर्ण गेंदबाज अर्शदीप सिंह के पास गए, और अर्शदीप सिंह के द्वारा भी बहुत ही शानदार गेंदबाजी देखने को मिली और ओवर में एक भी चौका ना खाते हुए मात्र 4 रन दिए, और दिखा दिया कि अंतिम ओवरों के साथ पावर प्ले में भी शानदार गेंदबाजी अर्शदीप सिंह कर सकते हैं। जिसके बाद कप्तान मयंक अग्रवाल विकेट लेने के लिए अपने सबसे बेहतरीन और मुख्य विदेशी गेंदबाज रबाडा के पास गए, और रबाडा से बेहतरीन गेंदबाजी की उम्मीद करते हुए विकेट लेने की आशंका जताई, और रबाडा की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने शानदार चौका ऑन साइड की तरफ जड़ दिया, और दूसरी तरफ से प्रियम गर्ग के खिलाफ रबाडा ने शानदार गेंदबाजी करी, और ओवर की चौथी गेंद पर प्रियम गर्ग को 7 गेंदों पर 4 रन बनाकर कप्तान मयंक अग्रवाल के हाथों कैच आउट करा दिया और कप्तान मयंक अग्रवाल के विश्वास को जीत दिला दिया। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए बेहतरीन बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी है, और इनके द्वारा बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कई मुकाबलों में देखी गई है, और इसी तरीके की बल्लेबाजी इस मुकाबले में भी देखने को मिल सकती थी, और यही उम्मीद हैदराबाद के खिलाड़ियों को भी थी। और ओवर की अंतिम गेंद पर और अपनी दूसरी गेंद पर राहुल त्रिपाठी ने मिड ऑन की तरफ शानदार चौका जड़ा, और रबाडा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ओवर में 9 रन दिए, जिसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी करने अर्शदीप सिंह आए और ओवर की चौथी गेंद पर शानदार और खूबसूरत चौका जड़ा और अर्शदीप सिंह के ओवर में 6 रन बटोरे, जिसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी करने रबाडा आए और इस ओवर में 2 चौके जड़ के 8 रन ले लिए, जिसके बाद पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने नाथन एलिस आए और पहली गेंद पर राहुल त्रिपाठी का कैच विकेट कीपर जितेश शर्मा ने छोड़ दिया। इसका फायदा उठाते हुए राहुल त्रिपाठी ने ओवर की चौथी गेंद पर एक खूबसूरत शॉट खेलते हुए शानदार छक्का जड़ा और ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा ने शानदार चौका जड़ा, और इसी के साथ पावर प्ले में 43 रन 1 विकेट के नुकसान पर हैदराबाद की टीम ने बना दिए। तो दोस्तों, इस मुकाबले को कौन सी टीम जीत सकती है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।